दोस्तों आज हम आपको इन चीज़ों के मदद से लट्टू बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको दो ढक्कनों की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक कांटे की यानी कील की और टेप और फेविक्विक मजबूती देने के लिए। तो आपको सिंपली ये ढक्कन को ऐसे कर देना है और इसके बीचों बीच में ये होल कर देना है कांटे से। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो इस ऐसे रख के इस पे हम बीचों बीच हथौड़ा से मारना है और इसमें छेद करना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से कांटी निकल गया है इस साइड में। तो ऐसे ही ये दोनों में कांटी अंदर तक करके इस साइड से निकाल देना है। तो चलिए मैं ये भी करके बता। तो दोस्तों देखिए लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस साइड से निकल गया है और ये हमारा लट्टू बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब टेस्ट करने के बारी है। तो इसके लिए आपको एक पेन के ढक्कन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पेन के ढक्कन और एक धागा की। तो धागा सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इसमें ऐसे ऐसे करके इसमें लपेट देना है और इसमें ढक्कन में डाल के और सिंपली इस ढक्कन को आपको इस साइड से तोड़ देना है ये, ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। और इसमें ऐसे लट्टू रख के और ऐसे करके आप खींचिएगा तो आपको नच जाएगा। चलिए मैं आपको छत पे करके बताता हूँ। और दोस्तों उससे पहले मजबूती देने के लिए फेविक्विक से आपको सिंपली इसे कुछ इस तरीके से चिपका देना है। तो चलिए मैं चिपका के बताता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से आपको चिपका देना है जैसे मैं चिपका दिया हूँ। और ये चिपक के रेडी हो गया है हमारा मजबूती से। और इसे फेविक्विक को बंद करके रख देना है और कुछ टेप की मदद से भी इसे मजबूत कर देना है ताकि ये निकले नहीं। तो देखिए मैंने टेप से कुछ इस तरीके से चिपका रहा हूँ। देखिए इस तरीके से मैं एक ही लेयर रहने दूंगा ताकि ये बाद में खुले तो फिर से दोबारा काटने में आसानी हो। ये देखिए मैंने टेप से की मदद से भी चिपका दिया हूँ और फेविक्विक की मदद से भी। तो अब ये बहुत ही मजबूत हो गया है। तो अब इसे छत पर चलते हैं और ट्राई कर नचाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको नचाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे पकड़ लेना है और इसमें 15 बार या 10-15 बार लपेट देना है इस तरीके से। तो ये लपेटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको ढक्कन की मदद से इसमें ढक्कन डालना है और धागा को खींच देना है और ज़मीन पर छोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो बेइज्जती हो गई। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ छेद अलग हो गया है। आपको पूरा बीचों बीच में रखना है ताकि ये नच सके। आपसे नचे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा नच गया। और ये वाला इधर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। इस अब से यही वाला नचा लेते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।